फाइनली दोस्तों बजाज पल्सर इन 160 की ऑफिशियल टीजर रिवील हो चुकी है, जिसके साथ ही बाइक के कुछ और डिटेल्स भी सामने निकल कर आया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बाइक की टीजर, लॉन्चिंग डेट और साथ ही जो डिटेल्स निकल कर आई है उसके बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मेनली दोस्तों इन इस 160 बजाज पल्सर की एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फाइटर मॉडल है, लेकिन मार्केट में अभी 150 से 160 cc सेगमेंट में कंपटीशन काफी बढ़ चुका है और कंपटीशन में बने रहने के लिए ही कंपनी इन इस 160 के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट इन 160 को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने जा रही है। एंड दोस्तों अगर टीजर को गौर से देखा जाए तो वहां पल्सर मॉडल के फेस के साथ बीच में थ्रिल नाउ इन ए न्यू अवतार लिखा हुआ है, जो पल्सर 160 की ही फर्स्ट ऑफिशियल टीजर है। और अगर बाइक के नाम की बात की जाए तो ये इन 160 या फिर 160N भी हो सकता है। अब आते हैं बाइक में मिलने वाले की अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहले जो चीज नजर में आती है वो है इसकी हेडलाइट। न्यू मॉडल में इन 250 से इंस्पायर्ड एक प्रोजेक्टर LED यूनिट ऑफर होने वाली है, जो बाइक में काफी ज्यादा स्टाइलिश दिखाई देगी। बाइक में अगला चेंज इसके फ्यूल टैंक में किया जाएगा। अब आपको फ्यूल टैंक में लॉन्ग एक्सटेंशन देखने को मिलने वाली है। बाइक की टेल सेक्शन पहले मॉडल जैसा ही दिया जाएगा, बट टेल लाइट की जो स्टाइल है उसे चेंज कर दिया गया है। एंड मेनली दोस्तों पल्सर 160 अपने मस्कुलर स्टाइल के लिए ही जानी जाती है, जो इसके अपडेटेड वेरिएंट में भी आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट जनरेशन पल्सर 160N में आपको जो है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। एंड और भी कई सारे छोटे मोटे चेंजेस की जाएगी जो बाइक लॉन्च होने के बाद ही पता चल पाएगा। बाइक के पावर की बात की जाए तो इसमें आपको सेम पुराने मॉडल जैसा ही 160.3 cc की ऑयल कूलिंग सिस्टम वाली BS6 कंप्लायंट DTSI इंजन ऑफर किया जाएगा, जो मैक्सिमम 17.2 PS तक की पावर और 14.6 Nm तक का टॉर्क इजीली जनरेट करके देती थी 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। लेकिन इसके पावर और परफॉर्मेंस को चेंज करने के लिए ही इसके पुराने वाले इंजन को ही रिफाइंड करके पेश किया जाएगा। बाइक के बाकी हार्डवेयर जैसे फ्रंट की तरफ टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक विद एंटी फ्रिक्शन बूस्ट, रियर में नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप और सिंगल चैनल ABS सभी आपको पुराने मॉडल जैसा ही सेम ही मिलने वाली है। फाइनली दोस्तों बाइक के लॉन्चिंग की बात की जाए तो इसका एग्जैक्ट डेट तो अभी तक क्लियर नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये बाइक 13 जुलाई के आसपास लॉन्च होती हुई देखने को मिलने वाली है।